Hi friends, good morning. My name is Piyush and I welcome you all to this special session of fillers, जिसमें हम फिर से 30 questions को करने वाले हैं. आज का जो numbering होने वाला है वो 61 to 90 होगा. ठीक है, तो last तक lesson में बने रहिएगा और जो doubts हो उनको clear कर लीजिएगा. सारे options properly समझाऊंगा, उनको समझते चलिएगा, कैसे किन words के use करने हैं, उन चीज़ों को खास दिमाग में रखते हुए चलिएगा. बिकॉज फिलर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यही होती है कि बहुत क्लोज दिखने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको यूज़ कैसे करना है, इसी में डाउट्स अक्सर होती हैं. ठीक है, इस क्लास की फ्री पीडीएफ्स आपको मिलेंगी टेलीग्राम चैनल पे. सो आपको टेलीग्राम पे योर क्लासेस सर्च करना है. ये वाला लोगो दिखेगा राइट लेफ्ट राइट साइड में, लोअर राइट साइड में आपको लोगो दिख रहा है, ये वाला लोगो आपको दिखेगा. इस चैनल को आपको फॉलो करना है और फ्री पीडीएफ्स वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है. ठीक है, डिजीबुक से रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन. डिजीबुक्स एक स्पेशल सा प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत अनलिमिटेड से क्वेश्चंस देता है, जिसमें आप एग्जाम 10 कोड यूज़ करके 10% का एडिशनल डिस्काउंट्स अभी ले सकते हैं. डिजीबुक्स में आपको एडवांस लेवल के और बहुत लेटेस्ट पैटर्न्स के क्वेश्चंस मिलते हैं, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस में चार चांद लगा सकते हो. साथ ही में आपको हर क्वेश्चन का लेवल वाइज एक्सप्लेनेशन प्लस लेवल वाइज अरेंजमेंट मिलता है. इसके साथ में एक एडिशनल फैसिलिटी वो ये है कि आप हर क्वेश्चन के लिए वीडियो सॉल्यूशंस भी वहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, तो जस्ट गिव इट अ ट्राई. डिजीबुक्स एक बहुत अच्छी सी प्लेटफॉर्म है. चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन. 61st क्वेश्चन कह रहा है, एज ही प्रूव्ड इनएफिशिएंट द कंपनी डैश हिम. अब अगर कोई भी इनएफिशिएंट प्रूव होता है किसी कंपनी में तो क्या होता है, कंपनी उसको निकाल देती है. यहाँ पर निकाल देने के लिए बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं. पहला दिया है रिजेक्टेड, दूसरा है इजेक्टेड, फिर थर्ड है एविक्टेड, फोर्थ है एक्सपेल्ड. ध्यान से देखना, रिजेक्ट हम उसको बोलते हैं जैसे मान लो कोई फाइल लेके आया, अगर मुझे समझ में आई तो मैंने एक्सेप्ट कर ली, अदरवाइज मैंने रिजेक्ट कर ली, तुरंत खारिज कर देना. यहाँ पर रिजेक्टेड नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी वो कंपनी में है, तो रिजेक्ट उसको नहीं कर सकते. ठीक है, अब देखो इजेक्टेड क्या होता है. जैसे आपने देखा होगा जब भी आप पेन ड्राइव को कंप्यूटर में कनेक्ट करते हो या फिर मेमोरी कार्ड को मोबाइल फ़ोन में कनेक्ट करते हो, तो उस चीज़ को निकालने के लिए या फिर उस जो अंदर प्रोसेसिंग है उसको ख़त्म करके जो आपका मेमोरी कार्ड उसको बाहर की तरफ फेंकने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इजेक्टेड. तो यहाँ पे इजेक्टेड वर्ड एप्ट नहीं है इस क्वेश्चन के लिए. ठीक है, फिर आता है देखो एविक्टेड आता है और आता है एक्सपेल्ड. ध्यान से देखना, एविक्टेड का मतलब क्या होता है, एविक्टेड का मतलब होता है पुट आउट, यानी कि लीगल प्रोसेस से किसी को बाहर निकाल देना. जैसे कि कोई किराएदार है, उसको किसी लीगल प्रोसेस से बाहर निकाल देना, उसको बोलते हैं एविक्टेड. ठीक, एक्सपेल्ड का मतलब देखो क्या होता है, एक्सपेल्ड का मतलब होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने के लिए फोर्स करना है किसी को. तो डेफिनेटली अगर इनएफिशिएंट है तो उसको क्या कराया जाएगा, एक्सपेल कर दिया जाएगा, वहाँ से फोर्सफुली उस ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाएगा. एविक्टेड हम यूज़ करते हैं जनरली जो टेनेंट यानी कि किराएदार होते हैं उनके लिए. तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फोर्थ. ठीक है, 62 देखो, मोस्ट पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डैश एडवर्टीजमेंट्स एंड टेंड टू बिलीव द क्लेम्स मेड अबाउट द प्रोडक्ट. अभी देखो जो इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि आदमी लोग जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो कैसे एडवर्टीजमेंट से होते हैं, ऐसे एडवर्टीजमेंट जो बहुत कलरफुल दिख रहे हो, जो बहुत आकर्षक दिख रहे हो, बहुत प्रभावशाली दिख रहे हो. जैसे दीपिका पादुकोण ने ऐड कर दिया लक्स साबुन का, है ना, कि आप इस लक्स साबुन से नहाओगे तो आप दीपिका पादुकोण जैसे सुंदर दिखने लगोगे. अब लोगों ने सोचा वाओ इतनी ग्लोइंग स्किन, चलो हम लक्स साबुन को खरीद लेते हैं, शायद हम दीपिका दिखने लगे, है ना. तो ऐसा एक इल्यूजन सा बन जाता है दिमाग में. यानी कि जब कलरफुल इमेज हमारे सामने किसी भी एडवर्टीजमेंट की होती है तो हम क्या सोचते हैं, हम दिमाग लगाने लगते हैं अपने दिमाग में कि ऐसा एक्चुअली में होता होगा. ठीक है, तो कलरफुल इमेज, यहाँ पे जो कलरफुल लिखा हुआ है इसके कई सारे मतलब हैं. कलरफुल का मतलब है ऐसी कोई चीज़ जो आपके दिमाग को भा जाए, आपके मन को लुभा दे, उसको कलरफुल एडवर्टीजमेंट्स बोलते हैं. अब देखो अग्रेसिव लिखा है तो अग्रेसिव से क्लेम तो नहीं करोगे डेफिनेटली, अग्रेसिव वालों को तो मानोगे नहीं, तो क्लेम्स तो बिलीव करने वाला बात आई नहीं. एफिशिएंट आदमी लोग होते हैं या फिर मशीन होती है, ये गलत हो गया. विग्रस का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तेज भरा हुआ या फिर बहुत एफिशिएंट, ऐसा कुछ भी नहीं है. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट कलरफुल. नेक्स्ट देखो, द कॉस्ट ऑफ डैश इज राइजिंग रैपिडली इन दिस सिटी. ये बहुत कॉमन सा सेंटेंस है, न्यूज़पेपर्स में आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन दिस सिटी या द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज राइजिंग रैपिडली इन दिस सिटी. इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा और हमेशा ये जनरली एज अ फ्रेज यूज भी होता है. 64 देखो, द मीटिंग इज डैश बिकॉज द फंड्स हैव नॉट अराइव्ड. बढ़िया क्वेश्चन है. 64 देखो, यहाँ पे दिया है पुट इन, पुट ऑफ, पुट अवे या फिर पुट आउट.
इसमें क्या हो सकता है, देखो पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पुट ऑफ का मतलब होता है डिले कर देना फिर पोस्टपोन कर देना। तो मीटिंग क्या होती है, पुट ऑफ यानी कि डिले हो जाती है फिर पोस्टपोन हो जाती है, ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा सही आंसर इसका। अब देखो पुट इन का मतलब क्या होता है, ये व्लादिमीर पुतिन वाला नहीं है, पुट इन ये दो शब्द हैं, ठीक है कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पुट इन का मतलब होता है टू मेक अ फॉर्मल ऑफर ऑफ समथिंग या फिर किसी को इंट्रोड्यूस करना, ठीक है तो उसको बोलते हैं पुट इन। यहाँ पे ये नहीं हो पाएगा, पुट इन गलत है। ठीक, पुट अवे का मतलब क्या होता है, डिस्कार्ड कर देना या फिर अलग रख देना, उसको दूर रख देना, ये गलत हो गया यहाँ पे, है ना, डिस्कार्ड नहीं हो रहा है, मीटिंग को पोस्टपोन करने वाली यहाँ पे बात हो पाएगी। पुट आउट का मतलब क्या होता है, एक्सटिंग्विश कर देना यानी कि किसी चीज़ को खत्म कर देना, ये गलत हो जाएगा, पुट आउट नहीं होगा यहाँ पे, गलत है। द मीटिंग इज डैश बिकॉज ऑफ द फंड्स हैव नॉट अराइव्ड, ठीक, तो मीटिंग क्या होगी, पोस्टपोन हो जाएगी, वो खत्म नहीं की जाएगी। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट 65, इट इज डैश इफ वी कैन ऑर्गेनाइज अनदर एग्जाम दिस मंथ। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो इस टाइम आप यही चीज फील कर रहे हो, हर बच्चे के मन में, हर एस्पिरेंट के मन में यही है कि एग्जाम इस टाइम होगा कि नहीं, और जो अथॉरिटी है वो क्या सोच रहा होगा, वो डाउट में होगा कि हम इस मंथ एग्जाम अनाउंस कर पाएंगे कि नहीं, अगले मंथ अनाउंस कर पाएंगे कि नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, डाउटफुल वाली कंडीशन होती है। जब आप एक बीच में बैठे हो, एक दीवार के बीच में बैठे हो, लेफ्ट साइड में भी आपके पास ऑप्शन है और राइट साइड में भी ऑप्शन है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि लेफ्ट साइड में जा सकते हैं या फिर राइट साइड में जा सकते हैं, मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन वाली स्टेट अभी भी बनी हुई है, तो उसको डाउटफुल हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है अनलाइकली, अनलाइकली का मतलब होता है नॉट लाइकली या फिर कोई चीज़ ऐसी जो हो ना सके, तो यहाँ पे नेगेटिविटी दिख गई, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या ऑर्गेनाइज कर पाएंगे कि नहीं, तो नेगेटिविटी प्योर नहीं है इसलिए अनलाइकली नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है आपको। फिर यहाँ पे दिया है अनश्योर, अनश्योर का मतलब है कि आप श्योर ही नहीं हो, है ना, या फिर आप अनसर्टेन हो, तो यहाँ पे सर्टेनिटी भी है और अनसर्टेनिटी भी है, इसलिए प्योर हम अनसर्टेनिटी नहीं दिखाएंगे, इम्प्रैक्टिकल तो यहाँ पे सेंस नहीं बनाता है, इम्प्रैक्टिकल विल बी द रॉन्ग आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट लेंगे एज द करेक्ट आंसर। 66 देखो, शी वॉज रिलीव टू हेयर फ्रॉम द डॉक्टर दैट द ट्यूमर वॉज नॉट मलाइनेंट इट वॉज डैश। अब देखो ये क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि शी वॉज रिलीव टू हेयर फ्रॉम द डॉक्टर दैट, अब रिलीव हो गया है यानी कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट होगा तभी रिलीफ मिलता है कोई भी पेशेंट होता है उसको, ठीक है, कह रहा है डॉक्टर से जब उसने सुना कि ट्यूमर मलाइनेंट नहीं है, मतलब ये नेगेटिव वर्ड है, मलाइनेंट मतलब ऐसी चीज़ जो बहुत हानिकारक हो या फिर डेंजरस हो लाइफ के लिए, वो मलाइनेंट होती है, ठीक है, तो उसने जब ये सुना कि ट्यूमर मलाइनेंट नहीं है, ठीक है, इट वॉज डैश, अब यहाँ पे डैश में कोई पॉजिटिव वर्ड होगा ये आपको मालूम चल चुका है, ठीक, इसके लिए क्या लगाएंगे, बेनाइन, बेनाइन मतलब पॉजिटिविटी, मतलब कोई चीज़ ऐसी जो हार्मलेस है या फिर डेंजरस नहीं है लाइफ के लिए, उसको हम बेनाइन बोलते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टू, क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। 67th, इट टुक द चाइल्ड अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर डैश द शॉक। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है सिर्फ, रिकवर के साथ में क्या लगता है, हमेशा फ्रॉम लगता है, प्रपोजिशन फिक्स है तो रिकवर फ्रॉम लग जाएगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर टू, ठीक है। 68, यू हैव ऑल कम वेल प्रिपेयर्ड, आई डैश यू टू पास दिस एग्जाम। अभी विश का मतलब क्या हो जाएगा, आई विश यू टू पास दिस एग्जाम, नहीं, आई विश यू पास दिस एग्जाम होता तो ठीक होता, आई विश यू टू पास दिस एग्जाम गलत हो जाएगा, इसका फ्रेमिंग गलत हो गया, आई विश यू पास दिस एग्जाम ठीक है, आई विश के साथ में टू प्लस वी वन नहीं लग सकता है, ये बात याद कर लो, ठीक है, विश के बाद में इन्फिनिटिव नहीं लगता है, बेयर इन्फिनिटिव लगता है, इसलिए विश गलत हो गया। आई एक्सेप्ट यू पास द एग्जाम, एक्सेप्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट का मतलब हो गया इसके अलावा, तो ये सेंस नहीं बना पा रहा है, सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए लगा है। आई होप यू टू पास द एग्जाम, होप के साथ में भी इन्फिनिटिव नहीं लग सकता, टू प्लस वी वन नहीं लग सकता है, ठीक, तो तीनों ऑप्शन गलत हो गए। आई एक्सपेक्ट यू टू पास दिस एग्जाम, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, एक्सपेक्ट, ठीक है। अगला देखो, चिल्ड्रन एंजॉय डैश द टीवी प्रोग्राम्स। अभी इंजॉय के बाद में हमने कल भी बात किया था ये ऑलरेडी, इंजॉय के बाद में जो भी वर्ब आ सकती है वो कैसी आ सकती है, सिर्फ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, तो क्या हो जाएगा, वॉचिंग, ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फोर्थ। 70th, जस्ट एज इन अ फैमिली इट इज द विलिंग कोऑपरेशन ऑफ इट्स मेंबर्स दैट डैश हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट, सो इट इज इन द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द नेशन। जैसे एक फैमिली होती है, विलिंग कोऑपरेशन ऑफ इट्स मेंबर दैट डैश हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट, यहाँ पे पूरी चीज़ पॉजिटिविटी में और साथ ही में प्रेजेंट टेंस में लिखी हुई है, और ये एक
ट्रूथ की तरह बताया गया है, एक जनरल सेंस की तरह इसने बताया है। तो इसमें हम क्या लेंगे, ब्रिंग्स, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसको रखेंगे बिकॉज पूरा सेंटेंस इसी सेंस में कंटिन्यूड है। तो मेंबर दैट ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट, सो इट इज इन द लार्जर फैमिली ऑफ द नेशन। ठीक है, अब देखो दैट के पहले यहाँ पे सिंगुलर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है विलिंग कोऑपरेशन, ये हो गया सब्जेक्ट इसका, विलिंग कोऑपरेशन है सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके बाद में हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब क्या है, ब्रिंग्स। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, याद रखना इस चीज को। ठीक है, आगे देखो 71, द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही डैश हिज मनी। अब यहाँ पे लिखा है कुड नॉट रिमेंबर, याद नहीं कर पा रहा था बूढ़ा आदमी। ठीक है, अभी इनडायरेक्ट स्पीच में है, पास्ट टाइम है। ठीक है, तो क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस हम यूज करते हैं। ठीक, यहाँ पे पास्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट यूज होगा, ही हैड डिपॉजिटेड हिज मनी, ऑप्शन नंबर 3 होगा सही आंसर। ठीक, 72 देखो, हमीद डैश इन मुंबई फॉर 3 years व्हेन हिज पेरेंट्स केम टू विजिट। क्या हो जाएगा, फॉर प्लस टाइम दिया है, क्या लगाते हैं, हैज हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, हैड बीन। अब देखो यहां पे लिखा है व्हेन हिज पेरेंट्स केम टू विजिट, यानी कि ये पास्ट में है, तो हैज हैव नहीं यहां पे हैड लगाएंगे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 ले रहे हैं इसका करेक्ट आंसर। 73 देखो, आई हैव लिटिल टाइम सो आई कैन टेल यू ओनली डैश व्हाट ही सेड। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है इसको। लिखा है आई हैव लिटिल टाइम, मतलब टाइम कितना है, 0 के बराबर, याद रखना इसको, लिटिल मतलब 0 के बराबर। सो आई कैन टेल यू ओनली, ये लिखा है लिटिल ऑफ व्हाट ही सेड। अब अगर लिटिल ऑफ व्हाट ही सेड वो बताएगा, यानी कि 0 के बराबर बात बताएगा वो जो उसने बोला है, तो कोई फायदा होगा क्या, नहीं, इसे लिटिल ऑफ बिल्कुल गलत हो गया, समझ आ रहा है। ब्रिस्कली क्या होता है, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड या फिर बहुत ज्यादा जोश से भरा हुआ, वो तो नहीं हो सकता यहाँ पे। ब्रीफली और शॉर्टली, शॉर्टली का मतलब होता है बहुत कम समय में, नहीं होगा, ब्रीफली का मतलब बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। 74 देखो, 2 years have passed since he dash here. 2 साल हो चुके हैं भाई साहब, ठीक है, बढ़िया बात है, 2 साल हो चुके हैं और क्या हो गया है, वो यहाँ पे आया है। सिंस के बाद में हम क्या यूज करते हैं, पास्ट टेंस की वर्ब यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, केम, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 75 पे आते हैं, हिज वाइफ हैज अ ट्विन हु रिजेंबल्स हर सो मच दैट एट फर्स्ट ही हैड ग्रेट He had great trouble telling who is which. जब भी कभी ऐसा बताना आपको कि कौन सा वाला कौन सा है, जैसे दो ट्विंस हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये बताना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा वाला कौन सा है। ठीक है, ऐसा कहने के लिए हम सिर्फ एक ही चीज़ यूज़ करते हैं, who is which, ये याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 लेंगे इसका सही आंसर। अब यहाँ पे देखो which यूज़ हुआ है लिविंग थिंग्स के लिए, तो ऐसा हो सकता है जब भी आपको सेलेक्शन की बात होगी, सेलेक्शन करने की, कि कौन सा वाला है, उस केस में ही सिर्फ आप विच लगा सकते हो लिविंग बींग्स के केस में। ठीक है, तो 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। वन फ्रॉम द अदर नहीं, डिस्टिंग्विशिंग की बात नहीं हो रही, इसलिए वन फ्रॉम द अदर नहीं होगा। वन फ्रॉम अनदर ये तो नहीं हो सकता क्योंकि एक में से दूसरे को नहीं निकाला जा रहा है, ईच अदर नहीं होता है क्योंकि दो की बात हो रही है। ट्रबल टेलिंग ईच अदर, एक दूसरे को नहीं बताया जा रहा है, एक दूसरे में डिफरेंस नहीं पता चल रहा है, इसलिए ईच अदर नहीं होगा। ठीक है, 4th ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 76 देखो, एट ग्रेट लेंथ कॉमा दैट नाइट दे डैश द फिजिबिलिटी ऑफ देयर प्लान्स। अभी एट ग्रेट लेंथ दैट नाइट, यानी कि क्लियर पास्ट, क्या यूज होता है क्लियर पास्ट के साथ में, वर्ब की सेकंड फॉर्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो दे डैश द फिजिबिलिटी ऑफ देयर प्लान्स, मतलब दे डिस्कस्ड द फिजिबिलिटी ऑफ देयर प्लान्स, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विल दोज ऑफ यू हु हैव ऑब्जेक्शन टू दिस प्रपोजल डैश पुट ऑफ योर हैंड्स प्लीज। ऐसे लोग जिनको ऑब्जेक्शन है इस प्रपोजल के रहने से या फिर इस प्रपोजल से, वो लोग अपना हाथ उठाएंगे प्लीज। अब देखो डिस्कस्ड तो नहीं होगा, पास्ट हो गया ये, डिस्कसिंग नहीं हो सकता, दिस प्रपोजल डिस्कसिंग नहीं होगा, प्रपोजल्स होता अगर अपोस्ट्रोफे लगा होता तो हम प्रपोजल्स डिस्कसिंग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे प्रपोजल्स नहीं है तो डिस्कसिंग नहीं होगा। हैविंग डिस्कस्ड नहीं, ये पूरा एक्शन कंप्लीट होने के बाद की बात करेगा, है ना, ये परफेक्शन दिखाने लगा है, हैविंग डिस्कस्ड मतलब करने के बाद नहीं, प्रपोजल डिस्कस होने पे, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, बींग डिस्कस्ड, मतलब अगर हो रहा हो तो किसको दिक्कत है, वो अपना हाथ उठा ले, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसका कॉन्टेक्स्ट समझिए तो बहुत आसान सवाल है। 78, शी हैड फ्रीक्वेंट टूथ एक्स सो शी डिसाइडेड टू डैश। फ्रीक्वेंट टूथ एक्स उसको हो रहे थे, हैड फ्रीक्वेंट टूथ एक्स, बढ़िया है, मतलब क्वेश्चन बढ़िया है, टूथ एक हो रहा है ये बात बढ़िया नहीं है, शी हैड फ्रीक्वेंट टूथ एक्स। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हैड प्लस V3 यूज हुआ है, ठीक, तो
पहले टूथेक हुआ होगा, फिर उसने डिसाइड किया होगा क्या, अपना दांत रिमूव कराने का, ठीक है, एक्सोडोंटिस्ट के पास गई होगी जो दांत को रिमूव करते हैं भाई साहब। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, वीटू लगाएंगे। वीटू कहाँ लगा है, हैव हर टीथ रिमूव्ड, ये है वीटू, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगला देखो 79th, एट वन टाइम मिस्टर निगल डैश दिस सुपरमार्केट। एट वन टाइम का मतलब क्या होता है, पास्ट में किसी एक समय, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही, विच इज इन पास्ट। क्या यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत आसान था। 80th देखो जल्दी से, 80th क्वेश्चन कह रहा है ही वॉज डैश एक्सेप्ट द ग्रजिंगली गिवन इन्विटेशन। अब देखो यहाँ पे ग्रजिंगली का मतलब क्या होता है, ग्रजिंगली का मतलब होता है अनविलिंगली, है ना, मतलब जबरदस्ती दिया गया या फिर जिसमें आपकी सहमति या फिर आपका मन ना हो अगर कोई काम करने का, उसको बोलते हैं ग्रजिंगली, ठीक है। तो ग्रजिंगली गिवन इन्विटेशन, कह रहा है ही वॉज डैश एक्सेप्ट द ग्रजिंगली गिवन इन्विटेशन। अब देखो यहाँ पे लिया है नॉट इनफ सेंसिबल, सेंसिबल इनफ टू, सेंसिबल इनफ नॉट टू, सेंसिबल इनफ टू नॉट। अब देखो यहाँ पे एक्सेप्ट लगा है, मतलब ये वर्ब है, वर्ब के पहले क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए, अगर टू लगाना है तो वर्ब के पहले आएगा, यानी कि जो यहाँ पे टू नॉट है, फोर्थ वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन नहीं ले सकते क्योंकि नॉट के बाद में एक्सेप्ट नहीं आएगा, टू के बाद में एक्सेप्ट आएगा, ठीक, नॉट पहले आ जाएगा फिर टू फिर एक्सेप्ट, ऐसा होना चाहिए। इस सेंस के हिसाब से फोर्थ वाला गलत हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो इनफ वर्ड है, ये एडजेक्टिव के साथ जब भी यूज होगा तो ये एडजेक्टिव के बाद यूज होता है, ठीक। तो इनफ सेंसिबल गलत है, सेंसिबल इनफ सही होगा, ठीक। तो सेकंड या फिर थर्ड में से आंसर हो सकता है। अब देखो 80th कह रहा है ही वॉज डैश एक्सेप्ट द ग्रजिंगली गिवन इन्विटेशन, सेकंड कह रहा है सेंसिबल इनफ टू एक्सेप्ट द ग्रजिंगली गिवन इन्विटेशन। अभी अगर सेंसिबल होगा तो ग्रजिंगली गिवन इन्विटेशन को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, ठीक। अभी सेंसिबल इनफ नॉट टू, ठीक, तो ये वाला आंसर सही बता रहा है कि सेंसिबल इतना था कि उसने एक्सेप्ट नहीं किया ग्रजिंगली दिए हुए इन्विटेशन को। तो सेकंड वाले ने गलत बात बता दी, थर्ड वाले ने बोला कि सेंसिबल इतना था कि ना एक्सेप्ट करे वो ग्रजिंगली दिए गए इनविटेशन को। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री, ठीक है, सेंसिबल इनफ नॉट टू एक्सेप्ट, ठीक है, क्योंकि जबरदस्ती दिया गया इनविटेशन को नहीं एक्सेप्ट करना है ना आपको, तो नॉट आएगा साथ में। 81 देखो, द लिटिल गर्ल वॉज नॉक डाउन बाय अ स्पीडिंग कार। नॉक डाउन मतलब गिरा दी गई बेचारी, गलत बात, ठीक है। एंड शी लॉस्ट हर, अगर मान लो आप कहीं जा रहे हो, आप नहीं जा रहे हो, कोई और जा रहा है, उसको किसी कार ने नॉकडाउन कर दिया, मतलब उस लड़ गई वो, गिर गई वो, ठीक है। अभी क्या होगा, उस उसकी मान लो मेमोरी लॉस हो गई, ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको, क्या चला गया, कॉन्शियसनेस चली गई, द स्टेट ऑफ बीइंग कॉन्शियस होता है कॉन्शियसनेस। तो क्या होगा, शी लॉस्ट हर कॉन्शियसनेस इमिडिएटली, समझ में आ रहा है, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, द स्टेट ऑफ बीइंग कॉन्शियस, ठीक है, जो एकदम होश आवाज होता है वो चला जाना, कॉन्शियसनेस होता है होश आवाज, ठीक है। कंसाइंस क्या होता है, देखो पहला दिया है कंसाइंस, कंसाइंस का मतलब होता है कोई भी चीज़ गलत है कि सही, इस चीज़ का सेंस होना, उसको कंसाइंस बोलते हैं। तो ये नहीं, यहाँ पे भी जजमेंट थोड़ी हो रहा है कि वो तुरंत बताएगी गलत है कि सही है, ठीक है, तो कंसाइंस नहीं हो पाएगा। अभी यहाँ पे दिया है कंसेंशियस, कंसेंशियस का मतलब होता है किसी की बहुत ज़्यादा देखभाल या बहुत ज़्यादा किसी की केयर करना, तो ये भी नहीं हो पाएगा कंसेंशियसनेस, ये कंसेंशियस गलत है। अभी कॉन्शियस का मतलब क्या होता है, अलर्ट होना या फिर अवेक होना या फिर कॉशनड होना जिसको बोलते हैं, है ना, तो कॉन्शियस यहाँ पे नहीं होगा, कॉन्शियसनेस होगा जिससे होश आवाज़ वो खो गया उसका इमिडिएटली। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट 82 कहता है दे हैव हैड टू पुट डैश द फुटबॉल मैच बिकॉज ऑफ स्नो। अब यहाँ पे इसका मतलब है फुटबॉल मैच को पोस्टपोन कर दिया उन्होंने, ठीक है, तो क्या लगाते हैं, अभी हमने एक और इसमें बात किया था, पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, ठीक है, हम ऑलरेडी कई बार ये डिस्कस कर चुके हैं, पुट ऑफ का मतलब होता है डिले करना या फिर पोस्टपोन कर देना, आज भी आई गेस हमने एक बार एक क्वेश्चन में डिस्कस किया है, तो यहाँ पे आंसर होगा पुट ऑफ, ठीक है। पुट अप का मतलब देखो क्या होता है, पुट अप ये कॉमनली यूज होता है, पुट अप का मतलब होता है इंगेज करना किसी को, किसी चीज में इंगेज कर देना, ठीक है, या फिर किसी भी मुद्दे को उठाना, इसको पुट अप भी बोलते हैं। फिर आता है पुट ऑन, पुट ऑन भी जनरली यूज होता है, पुट ऑन का मतलब होता है ऐड कर लेना या फिर कपड़े पहन लेने को पुट ऑन बोलते हैं, ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, पुट ऑन और पुट अप ये जनरली यूज होते हैं, ठीक। पुट अप का मतलब है इंगेज करना किसी को, पुट ऑन का मतलब होता है ऐड कर लेना या फिर कपड़े वगैरह पहन लेना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, 83rd कह रहा है शी फाउंड अ फ्यू गुड कार्ड्स इन अ शॉप एंड शी बॉट डैश कार्ड्स लास्ट नाइट। शी फाउंड अ फ्यू कार्ड्स इन अ शॉप एंड शी बॉट डैश कार्ड लास्ट नाइट। लास्ट नाइट मतलब दूर की चीज, क्या लगाएंगे, दोज कार्ड्स, ठीक है।
फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। 84 देखो, 10 माइल्स डैश अलॉन्ग वे टू वर्क, यहाँ पे 10 माइल्स यूज हुआ है, डिस्टेंस के लिए यूज करा है। ठीक, डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, जो भी एक्सप्रेशन डिस्टेंस के लिए यूज होते हैं उनके साथ में वर्ब कैसा लेते हैं, सिंगुलर। बहुत आसान है, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 इज यूज होगा। अगला देखो 85, द मैकेनिक डैश द व्हीकल सिंस दिस मॉर्निंग, अभी सिंस दिस मॉर्निंग यूज हो रहा है, मतलब करते जा रहा था, ठीक है, रिपेयर कर रहा था, कंटिन्यूटी की बात हो रही है। ठीक, तो क्या लगाते हैं इसमें, हम क्या लगाएंगे, द मैकेनिक डैश द व्हीकल सिंस दिस मॉर्निंग, तो हैज बीन रिपेयरिंग हो जाएगा, यहाँ पे रिपेयर्ड गलत है, रिपेयरिंग गलत है, विल बी रिपेयरिंग कोई सेंस नहीं बनाता, हैज बीन रिपेयरिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर। ठीक है, सिंस प्लस टाइम फॉर प्लस टाइम, हैज हैव हैड प्लस V3 या फिर हैज हैव हैड बीन प्लस ING लेते हैं, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर। 86 देखो, आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम डैश हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, कॉम्प्लीमेंट के साथ में क्या अग्री करता है प्रेपोजिशन, याद रखना ऑन हमेशा अग्री करता है कॉम्प्लीमेंट के साथ में, तो ऑन लेंगे इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। 87, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैव बीन टाइटेंड अप इन ऑल डैश एरियाज, अब देखो ये तो क्वारंटाइन के टाइम पे आप रोज ही सुन रहे होगे लगभग, है ना, कि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट की गई है ऐसे हॉटस्पॉट एरियाज पे, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा कभी भी होता है तो सेंसिटिव एरियाज की बात होती है, सेंसिटिव एरियाज यानी कि ऐसे जहाँ पे डेंजर प्रोन एरियाज होते हैं, या फिर ऐसे एरियाज जहाँ पे क्राइम प्रोन होते हैं, उस जगह को हम सेंसिटिव एरियाज बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत कॉमनली न्यूज़ में और न्यूज़पेपर्स में यूज़ होता है, तो याद रखिएगा जब भी कुछ ऐसी बात होगी हमेशा आप सेंसिटिव एरियाज को यूज़ करेंगे, सेंसिबल नहीं, मतलब जिसका दिमाग चल पाए वो सेंसिबल होता है, कोई मतलब नहीं है सेंसुअल की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ये इलॉजिकल सा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बिकॉज ये इसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है, सेंसेशनल नहीं, सेंसेशनल की बात नहीं होगी बिकॉज सेंसेस में है कोई कि नहीं, या फिर सेंसेस वाली चीज़ों से रिलेटेड कोई बात नहीं हो रही है, सेंसिटिव यानी कि बहुत डेंजर प्रोन एरियाज होते हैं उनकी बात यहाँ पे होगी, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 88 देखिए, द ड्रामेटिस्ट मस्ट केटर डैश द टेस्ट ऑफ द ऑडियंस, केटर का मतलब क्या होता है, किसी को एंटरटेन करना, ठीक है, केटर का मतलब होता है किसी को एंटरटेन करना, या फिर किसी को प्रोवाइड करना, क्या फिर क्या चीज़, केयर, किसी को केयर प्रोवाइड करना, उसको बोलते हैं केटर करना, है ना, जैसे कैटरर्स होते हैं, तो कैटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जिस भी चीज़ के लिए आप उनको हायर करते हैं, दे केटर यू फॉर ऑल दोज फैसिलिटीज़। ठीक है, तो केटर का मतलब क्या होता है, बेसिकली जिस भी चीज़ की ज़रूरत या फिर डिज़ायर हो उस चीज़ को प्रोवाइड करना। ठीक है, तो केटर के साथ में क्या यूज़ होता है, फॉर यूज़ होता है, केटर फॉर द टेस्ट ऑफ द ऑडियंस, द ड्रामेटिस्ट मस्ट केटर फॉर द ऑडियंस ऑफ द फॉर द टेस्ट ऑफ द ऑडियंस। ठीक है, इसको याद रखिएगा हमेशा, केटर के साथ में एक आध चीज़ें और यूज़ होती हैं, याद रख लीजिएगा इस चीज़ को, केटर के साथ में टू भी यूज़ होता है, लेकिन टू का मतलब क्या होता है, केटर टू का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, किसी चीज़ को बुरी तरीके से प्रोवाइड करने को हम बोलते हैं केटर टू, आपको कई जगह मिल जाएगा, है ना, केटर फॉर का मतलब होता है किसी के ज़रूरत के हिसाब से, या फिर जैसी उसको चीज़ों की ज़रूरत हो उस हिसाब से उसको प्रोवाइड करना, तो वहाँ पर केटर फॉर यूज़ करते हैं, नेगेटिविटी में जब होगा तो आप केटर टू यूज करोगे, यहाँ पे पॉजिटिविटी है सो यूज फॉर, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। 89, सूटेबल स्टेप्स आर टेकन टू ब्रिंग डैश द कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये हम ऑलरेडी अभी आज बात करें हैं। ठीक है, क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग को क्या करना पड़ेगा, डाउन करने के लिए हमको सूटेबल स्टेप्स लेना पड़ता है, जनरल सी बात है, तो क्या होगा, ब्रिंग डाउन, ऑप्शन नंबर 4, ब्रिंग डाउन का मतलब क्या होता है, टू कॉज टू फॉल, या फिर रिड्यूस करना है, फिर कम करना। ठीक है, ब्रिंग डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू कॉज टू फॉल, ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है, किसी को इंट्रोड्यूस करना किसी डिस्कशन में, है ना, या फिर इंक्लूड कर लेना, उसको बोलते हैं ब्रिंग अप। ठीक है, ब्रिंग अप वो हो गया। ठीक है, ब्रिंग ऑन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को किसी को दिखाना, टू कॉज टू अपीयर, इसको बोलते हैं ब्रिंग ऑन। ठीक, तो यहाँ पे क्या जरूरत है, ब्रिंग डाउन की, तो ब्रिंग डाउन हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए 90th, इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई डैश वेरी हाई मार्क्स इन दी एग्जामिनेशंस, अगर मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की होती, हमने कंडीशन सेंटेंसेस ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, 50 गोल्डन रूल्स वाली जो क्लासेस थी उसमें आप कंडीशन सेंटेंसेस को बहुत अच्छी तरह से पढ़ के समझ सकते हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है कंडीशन सेंटेंसेस में मैंने 4 टाइप्स बताए थे, जिसमें से ये 3rd, ये 4th वाला टाइप है, यानी कि टाइप 3 वाला है ये,
इफ आई हैड वर्कड हार्ड, अगर मैंने ऐसा काम किया होता पास्ट में तो प्रेजेंट ऐसा होता। ठीक, इस केस में क्या होता है, हैड प्लस वी थ्री यूज होता है, यानी कि इधर होता है पास्ट परफेक्ट यूज। और राइट साइड में क्या यूज होता है, दूसरे वाले क्लॉज में क्या यूज होता है, दूसरे क्लॉज में यूज होता है एक मॉडल, यानी कि MODL, जो मॉडल होता है विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, कुछ भी, साथ में यूज होता है हैज, हैव, और उसके बाद में क्या यूज होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मैंडेटरी होता है। तो क्या यूज हो जाएगा, वुड हैव स्कोर्ड। ठीक है, बहुत आसान रहा ये, ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है ना, डिटेल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए 50 गोल्डन रूल्स वाली प्लेलिस्ट में आप जाके कंडीशनल सेंटेंसेस को बढ़िया से पढ़ सकते हैं, और ज़रूर पढ़िएगा बिकॉज बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पे समझाया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चंस में थोड़ा सा शॉर्टेज रहता है टाइम का, इसलिए बहुत डिटेल में ये नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, सो आज के 30 क्वेश्चंस ओवर होते हैं, कल फिर से मिलूंगा आपको 9:30 बजे सुबह। सो कहीं मत जाइएगा, लाइव जुड़ना ज़रूर, टाइम निकाल के लाइव ज़रूर जुड़िएगा, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आपको पसंद आता है। जो भी आपको डाउट्स लगती हैं या फिर आपको लगता है वीडियो में ये चीज़ें और होनी चाहिए थी, नहीं हुई हैं, वो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, बिकॉज मैं हर वीडियो में चीज़ों को अमेंड ज़रूर करता हूँ। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई है तो गिव अ लाइक मैंडेटरीली। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर से कल, थैंक यू एंड टेक केयर।